नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दिवाली में चीन का निकला दिवाला। दिवाली में 72,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, चीन को 40,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ है भारत से। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस बार चीन में दिवाली में दिवाला निकल गया है। दोस्तों आपने जो प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर मुहिम थी और जो झालरों को चीनी झालरों कि ना खरीदने की मुहिम थी उसमें आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और भारतीय सेनाओं को कहीं ना कहीं आपने समर्थन किया है उनकी उस मुहिम का, जो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगातार बैठे हुई हैं। और आपको बताएंगे कि कैसे चीन का दिवाला निकला इस दिवाली में। इस भी दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पाकिस्तान आज गिलगित बल्टिस्तान में करा रहा है चुनाव। भारत ने दी साफ साफ चेतावनी, अब पीओके मतलब दिंड, पाकिस्तान पीओके को भूल जाए। भारत सरकार ने कड़ी फटकार लगाई है, नाराजगी जाहिर की है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस भी तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंगालिस्तान इमरान खान चीन की चौखट पर गिड़गिड़ाया, कहा इस बार इतने रुपए दे दो। जी हां, इसके बारे में आपको जानेंगे। फिर चीन के पास पहुंचा है। तो वहीं चौथी बड़ी अपडेट, वाशिंगटन में हजारों ट्रंप समर्थक और उग्रवादी गुट के लोग सड़कों पर उतरे, हिंसक टकराव। जी हां, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आमने सामने। अभी भी अमेरिका में हिंसक झड़प जारी है और बीच विदेश मंत्री ने चीन को दी चेतावनी। तो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी में तोड़फोड़, यानी टूट चुकी पार्टी, जो संस्थापक सदस्य थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी पीएम मोदी के नेतृत्व पे पूरी तरीके से भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें और इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दिवाली में 72,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ भारत में, लेकिन चीन को लगा 40,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान है। सारी की सारी पैसे भारत में ही रह गए, नहीं गए एक भी रुपए चीन। भारत में बढ़ा आत्मनिर्भर का व्यापार, चीन का निकल गया दिवाली में दिवाला। कोरोना महामारी के बड़े गंभीर संकट के बीच इस वर्ष दिवाली का त्यौहार पूरी तरीके से एक अलग ही अंदाज में पूरे देश में मनाया गया है, जिसमें बहुत कुछ ही नवीन विशेषताएं थी, जिनमें चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार, भारतीय सामानों का बड़े पैमाने पर उपयोग के साथ साथ भारत में 8 महीनों का व्यापार का निर्वासन समाप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोकल पर वोकल आत्मनिर्भर भारत के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के नेतृत्व में देश भर में व्यापारियों ने धड़ मजबूती से देश के कोने कोने में लागू किया और इस वर्ष दिवाली के त्योहारी सीजन के दौरान देश भर में बाजारों में हुई मजबूती बिक्री भविष्य में अच्छी व्यापारिक संभावनाओं को इंगित करता है। यही वजह है स्पष्ट हो गया है कि भारत के लोगों ने उत्सव के सामानों की बिक्री खरीद बिक्री के मामले में कोरोना और चीन दोनों को पछाड़ दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतीय और राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा है कि फिलहाल 20 अलग अलग शहरों में जो देश भर से सप्लाई चेन के प्रमुख वितरण किए गए हैं, इससे इस दिवाली में बिक्री से देश भर में 72,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है और चीन को सीधे तौर पर 40,000 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा हुआ है। हालांकि उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशानुसार बावजूद सरकारी अधिकारियों ने लापरवाही से पटाखे की नीति का अभाव मुख्य कारण रहा। लेकिन आपको बता दें अगर इस बार पटाखा फूटता, दोस्तों पटाखे फूटे हैं लेकिन पटाखों का भी कारोबार इस बार कम हुआ, लेकिन भारत में इस बार लगभग एक लाख करोड़ का जो ये कारोबार इसी दिवाली में होता और GDP भी एक अच्छी तरीके से सुधार आया है। तो ये चीन को 40,000 करोड़ रुपए का झटका अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। चीन को महज 5 दिनों के अंदर दिवाली का दिवाला निकाल दिया गया चीन का और देश की जनमानस ने भरपूर समर्थन किया है और सैनिकों के लिए भी वो सम्मान दिखाया है जो लगातार चीन को मुंहतोड़ करारा जवाब सीमा पर मिल रहा है। तो देश की गौरवशाली जनता, गौरवशाली सेना के लिए भरपूर समर्थन करते हुए बायकॉट किया, उनका आर्थिक रूप से बड़ा झटका दे दिया है। हम चलते हैं अपडेट पाकिस्तान की एक और चाल, आज गिलगित बल्टिस्तान में चुनाव करा रहा है पाकिस्तान। भारत ने साफ साफ दी चेतावनी, पीओके को भूल जाए, पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। जी हां, जैसे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्सा पिछले 70 सालों से कब्जाया हुआ है और इसी हिस्से के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के रूप में जाना जाता है। बीते दिनों इमरान खान ने
पीओके के एक हिस्से गिलगित बल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा दिया और अपने अवैध कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के लिए वहां चुनाव कराए जा रहे। इसे लेकर भारत ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान को इस क्षेत्र में चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान में होने वाले चुनाव को लेकर कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। भारत का कहना है कि रणनीतिक रूप से गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और इसे किसी भी कीमत पर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमारा था और हमारा ही रहेगा, हमारा ही होगा, सरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार चुनाव में भी स्पष्ट अपने मंसूबे गिलगित बल्टिस्तान को लेकर क्लियर कर दिए थे कि भारत का अभिन्न अंग है और ये आने वाले समय में अभिन्न अंग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम चलते हैं अगले अपडेट। चीन की चौखट पर गिड़गिड़ाई इमरान सरकार, इस बार इतने रुपए मांग लिए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था का हाल पूरी दुनिया जानती है। रोज़मर्रा का खर्च चलाने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, यानी वित्तीय मोर्चे पर संकट से जूझ रहे इमरान खान की सरकार ने एक बार फिर से चीन से कर्ज लेने की फिराक में है। इस्लामाबाद ने इस बार चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मेन लाइन वन प्रोजेक्ट के पैकेज वन निर्माण के लिए 2.7 अरब डॉलर का कर्जा मांगने का फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से चीन से ये कर्ज उस वक्त मांगा जा रहा है जब पाकिस्तान अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पे है और चीन की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं सीपैक पर पहले की तरह बेतहाशा खर्च करने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान चीन से लगातार पैसा मांग रहा है और चीन अब खास करके पाकिस्तान को देने के मूड में नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन की भी अब कमर टूटती नज़र आ रही है, खास करके CPEC को लेकर। आपको बता दें कि CPEC को लेकर हाल फिलहाल में चीन ने भारत को प्रस्ताव दिया था कि आप इसमें शामिल हो जाएं। भारत की आक्रामकता जिस तरीके से POK को लेकर है और POK से ही होकर ये CPEC गुजर रहा है, पाकिस्तान का मानना है कि बड़े पैमाने पर यदि हम पैसा ले लेते हैं और अगर पैसे नहीं दे पाते हैं तो आने वाले समय में CPEC का जो हिस्सा है, जो एरिया है, वो चीन को फ्री में दे देंगे। लेकिन अब चीन को भी लगने लगा है डर इस बात का कि CPEC में अगर हम पाकिस्तान को पैसे देते हैं तो आने वाले समय में अगर भारत अपने POK पर कब्जा करता है तो CPEC से भी उसका वो जाएगा और पाकिस्तान से जो दिया गया पैसा वो भी डूब जाएगा। और यही कारण है कि अब चीन भी लगभग पाकिस्तान को पैसे देने के मूड में नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान अब चीन को भी डरने लगने लगा है। LIC पर लगातार अपनी सेनाओं को लगाकर चीन ये सोच रहा था कि भारत किसी तरीके से समझौता कर लेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कल जिस तरीके से गर्जे दिवाली के मौके पर सेनाओं के बीच, उन्होंने कहा कि समझौता रत्ती भर मंजूर नहीं है, उसके बाद से अब चीन और पाकिस्तान की हवाइयाँ उड़ गई हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि PM मोदी के मजबूत नेतृत्व में ये नतमस्तक होंगे, चाहे आतंकिस्तान पाकिस्तान हो या फिर चीन, ये सब नतमस्तक होंगे, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं अगले अपडेट। वाशिंगटन में हजारों ट्रंप समर्थक और उग्रवादी गुट के लोग सड़कों पर उतरे, आमने सामने टकराहट की सिचुएशन बढ़ी। जी हाँ, अमेरिकी चुनाव परिणाम आने के बाद जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था और वो सच होता दिख रहा है। शनिवार रात जैसा नज़ारा देख के राजधानी वाशिंगटन की सड़कों पर दिखा, उससे आम लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वाशिंगटन की सड़कों पर हजारों ट्रंप समर्थक और बड़ी संख्या में विरोधी गुट के लोग समर्थन प्रदर्शन के लिए उतर गए हैं। दोनों गुटों के हिंसक टकराव होते होते बच गए। रविवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके टकराव के हालात के लिए वामपंथी एंटिका गुटा को दोषी ठहराया है। एंटी फासिस्ट समूह और वो वामपंथी रुझानों वाले युवाओं और उग्रवादी नौजवानों का समूह है। इस बीच उग्रवादी और ट्रंप समर्थक आमने सामने हो गए थे, टकराहट सिचुएशन बढ़ती नजर आ रही है। तो ये अमेरिका में हालात का रहा। हम चलते हैं अगले अपडेट। चीन मिसाइलों ने हजारों किलोमीटर दूर से बना युद्धपोत को निशाना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दी दुनिया को चेतावनी। जी दरअसल चीन की दो एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों ने हजारों किलोमीटर दूर में दागे जाने पर समुद्र के अंदर गश्त लगा रहे युद्धपोतों को तबाह कर दिया। चीन ने इस मिसाइल का गत अगस्त में परीक्षण किया था, लेकिन अब पहली बार उसकी जानकारी सार्वजनिक की। चीन के एक सैन्य विशेषज्ञ ने कहा है कि फिलहाल दोनों मिसाइलों ने साउथ चाइना सी में स्थित पारासेल द्वीप समूहों के पास युद्धपोत को निशाना बनाया गया। पेंचिंग के विंग हांग यूनिवर्सिटी के में प्रोफेसर और पूर्व कर्नल वांग सिंग्यूइंग ने कहा है कि फिलहाल DF-26B और DF-21D मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को बर्बाद कर दिया था। DF-26B मिसाइल को उत्तरी पश्चिमी किंगहाई प्रांत में दागा गया था और दूसरा मिसाइल DF-21D चीन
के पूर्वी हिस्सों में स्थित झेंगियांग प्रांत से रवाना हुआ था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल पीडीपी में जबरदस्त फूट महबूबा मुफ्ती की पार्टी में संस्थापक सदस्य मुजफ्फर हुसैन बेग ने पार्टी छोड़ी दी इस्तीफा जा। दरअसल जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के ऊपर बड़ा झटका लगा है। पार्टी के संस्थापक सदस्य मुजफ्फर हुसैन बेग ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फर बेग हुसैन जम्मू कश्मीर में हो रहे जिला विकास परिषद चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर नाखुश थे और इस वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बेग ने कहा था कि फिलहाल संरक्षक महबूबा मुफ्ती को पार्टी छोड़ने के फैसले पर के बारे में बता दिया गया है। बेग सन 1998 यानी पीडीपी की स्थापना के वक्त पार्टी से जुड़े हुए थे। हालांकि अब तक उनकी तरफ से पार्टी छोड़े जाने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं आई है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि वो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन द्वारा सीट बंटवारे खासकर उत्तरी कश्मीर में सीट बंटवारे को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल विदेश मंत्री ने चीन को दी चेतावनी, कहा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो वरना दोनों देशों को परिणाम गंभीर भुगतने होंगे। जी हाँ, दक्षिणी चीन सागर में दादागिरी दिखा रहा है चीन को। भारत ने इशारों में कड़ा संदेश दे दिया है। भारत ने शनिवार को साउथ चाइना सी में विश्वास को नष्ट करने वाली कार्रवाई और घटनाओं पर चिंता जताई है। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के महत्व पर जोर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री ने 15वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने हिंद प्रशांत इलाके के बारे में बात की और इस क्षेत्र में बढ़ते ध्यान को भी आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि चीन जिस तरीके से इन इलाकों में दादागिरी कर रहा है इससे परिणाम गंभीर हो सकते हैं और परिणाम दोनों देशों के भुगतने होंगे। ऐसे में सिचुएशन किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ से शांति बरतने की अपील विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें नीतीश कुमार ने राज्यपाल के सामने पेश किया सरकार बनाने का दावा। कल शाम 4:30 लेंगे शपथ। ये बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से निकल के आ रहे। जी हाँ, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को रविवार को अपना नेता चुन लिया है और इसके साथ ही नीतीश कुमार के लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का मार्ग पूरी तरीके से प्रशस्त हो गया है। गठबंधन का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार बैठक के बाद राजभवन रवाना हो गए हैं। उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान के सामने सरकार बनाने का दावा भी ठोंक दिया है। इस बारे में जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने कहा है कि फिलहाल एनडीए की बैठक में मुझे फिर से एक बार नेता चुना गया है। महामहिम राज्यपाल को अभी पत्र दे दिया गया है, उन्होंने स्वीकार करते हुए मुझे मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया है। कल कौन कौन शपथ ग्रहण करेगा इसका फैसला अभी होगा। नीतीश कुमार कल शाम 4:30 सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एनडीए की जो बैठक हुई है इस बैठक में बड़े पैमाने पर एनडीए के विधायक साम देखने को मिले। 125 पूरे विधायक एक साथ एकजुट हुए। आरजेडी तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस पार्टी ने बखूबी तोड़ने का प्रयास किया, चाहे वो हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी हों या फिर विकास इंसानशील पार्टी मुकेश सहनी को भरपूर तोड़ने की कोशिश की। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पटना पहुंचे और उन्होंने तमाम विधायकों को एकजुट किया और एकजुट विधायकों ने फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार स्वीकार की। उन्होंने विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुना है। सभी 125 विधायकों ने समर्थन पत्र पर साइन किया है, राज्यपाल को सौंप दिया गया है समर्थन पत्र। अब बस कल शपथ लेना बाकी है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाएंगे। और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है अपने आप में, क्योंकि आरजेडी बखूबी एनडीए के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो भरपूर कामयाब नहीं हो पाए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर सुशील मोदी का छलका दर्द, बोले कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। जी हाँ, दरअसल बिहार में नई सरकार के गठबंधन के मद्देनजर आज कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और की ओर से बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने लगभग सभी पदों की जानकारी दी, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। अब राजनाथ की चुप्पी के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला है। आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता है। इस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दिलीप घोष ने कहा पश्चिम बंगाल में अलकायदा के आतंकियों की पहचान हुई है, राज्य में कश्मीर से बदतर हालात हो चुके हैं। जी हाँ,
पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि बंगाल आतंकियों और राष्ट्र विरोधी लोगों को अड्डा बन चुका है। इसके साथ ही कहा है कि बंगाल के हालात कश्मीर से बदतर हो चुके हैं। दिलीप घोष ने रविवार को उत्तरी 24 परगना जिले के बारानगर में एक भाजपा कार्यकर्ता के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि हाल ही में अलकायदा के 6 आतंकियों को अल्लीपुरा मंदिर बंगाल में गिरफ्तार किया गया था। भाजपा प्रमुख ने कहा है कि राज्य में कई स्थानों में नए नेटवर्क बनाया गया है और यहाँ तक कि बांग्लादेश नेता खालिदा जिया ने कहा है कि आतंकवादियों को भारत में प्रशिक्षित किया जा रहा है और अशांति पैदा करने के लिए बांग्लादेश भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल आतंकवादियों और देशद्रोहियों को केंद्र बनता जा रहा है और ये स्थान यहाँ पे आकर शरण ले रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार बनने जा रही है और एक बार सरकार बनने के बाद उन तमाम जिहादियों को पश्चिम बंगाल से मार के भगाएंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर फिर सक्रिय हुए गृह मंत्री अमित शाह, बुलाई आपात बैठक। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने आपात बैठक बुलाई हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राजधानी दिल्ली में COVID-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में एक बैठक बुलाई। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 73 से 40 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9600 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या अब 7519 पहुंच गई है और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल सुशील कुमार मोदी ही बनेंगे बिहार के डिप्टी सीएम। विधानमंडल दल की बैठक में लगेगी मुहर। दरअसल बिहार में एनडीए की सरकार बनने के लेकर सुगबुहार तेज हो गई है। इस बीच सीएम और डिप्टी सीएम के नाम को लेकर भी तस्वीर साफ लगभग होती दिख रही है। सीएम के रूप में जहां नीतीश कुमार की ताजपोशी होगी, वहीं औपचारिक ऐलान भी। दूसरी ओर बार डिप्टी सीएम के तौर पर बिहार में चल रहे सस्पेंशन लगभग समाप्त है और सुशील मोदी ही बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट। असदुद्दीन ओवैसी चार मीनार से शुरू हुआ सफर अब धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए बन गया सिरदर्द। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने कहा, पूरे देश भर में फैलाएंगे पार्टी, लेकिन अब उनके बिहार में उनके ही विधायक सुरक्षित नहीं बताए जा रहे हैं। हैदराबाद शिफ्ट कर लिया है उनको। जी हां, कॉलेज के दिनों में क्रिकेट के मैदान में बतौर तेज गेंदबाज उतरने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने करीब 2.5 दशक पहले जब हैदराबाद के चार मीनार इलाकों से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया तो शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी इस बार अब सियासी बाउंसर मुस्लिम मतों वाले टिकटों पर जमी पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। महाराष्ट्र और बिहार इसी बात की गवाही दे रहा है। आने वाले समय में हैदराबाद का ये सांसद उनकी सिरदर्दी और बढ़ा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी अब बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद उनकी पार्टी पूरे देश भर में लड़ेगी। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर पार्टियां, अपने आप को कहने वाली कांग्रेस, सपा, बसपा, रालोसपा समेत तमाम आरजेडी तमाम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना पश्चिम बंगाल में भी उठाना पड़ सकता है। और यही कारण है कि अकबर ओवैसी उनके भाई ने कह दिया है कि फिलहाल देश भर में AIMIM का झंडा लड़ाएंगे, पूरे देश भर में चुनाव लड़ेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, ममता सरकार का फैसला लुभावने की कोशिश कर रही है सरकार, फिसलती हुई देख। जी हां, 2 लाख युवाओं को बांटी जाएगी मोटरसाइकिल। दरअसल लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बंगाल सरकार कर्म साथी स्कीम के तहत 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटेगी। ममता सरकार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कथित तौर पर 4 नवंबर को लगभग 10 लाख लोगों की मदद करने का लक्ष्य रखा था जो 2 लाख लाभार्थियों पर निर्भर हैं, जिनमें से लेकर उन्हें मोटरसाइकिल देने की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि सभी मोटरसाइकिल पर ऐसा बॉक्स लगाया जाएगा जिस पर लाभार्थी फल, सब्जियाँ, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे सामान रख कर बेच सकते हैं। इसके साथ ही कहा है कि इसमें न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा बल्कि इससे जुड़े लगभग 10 लाख लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो ये ममता बनर्जी की मुहिम है। अब इसी के जरिए ये सब TMC का प्रचार भी करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जो कुछ काला धन कमाया गया है ममता बनर्जी इसी में लगा देंगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है जहां पर मायावती ने बदल दिया अपने प्रदेश अध्यक्ष को। भीम राजभर बसपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। मायावती ने मुनकाद अली को हटाया। जी हां, उपचुनाव में करारी हार के बाद मायावती ने फिलहाल मुनकाद अली को राज्यसभा पद से यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है।
अब नए नवेले भीम और भीम नदारद को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर उतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना। बोलिए इस वीडियो तो नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।